गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हाय सोना पोतुम सॉन्ग का रिएक्शन। और ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सॉन्ग रहा है। रिसेंटली हम बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स करते हैं, हरी जयरा सर के भी सॉन्ग्स करते हैं, तो उसमें लोग काफी सारे में ऐसे और रिकमेंड करते आ रहे हैं जो ऐसे जो मतलब काफी ज्यादा चले हुए सॉन्ग है और काफी ज्यादा लोगों में पसंद आए हुए सॉन्ग है। तो फिर ये भी उनमें से एक कोमाली मूवी का सॉन्ग है, तो देखते हैं फिर ये सॉन्ग कैसा होगा। यस, ये सॉन्ग के लिरिक्स दी है प्रदीप रंगानाथन जी ने एंड इसके जो म्यूजिक दिया है वो है हिप हॉप द मिजा। एंड ये कोमाली मूवी का सॉन्ग है जो आई थी 2019 में, लाइक अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसे आए हुए। एंड ये सॉन्ग का थंबनेल देख के लग रहा है कि काइंड ऑफ स्कूल रोमांस टाइप का सॉन्ग है, तो देखने में काफी मजा आएगा। कार्टून वाली टी शर्ट हर रोज आके देख रहे हैं। यू शुड ग्रीट मी विद हाय, आई फील इंटॉक्सिकेशन। नया नया प्यार। ओह माय गॉड, शी स्माइल्स माय लव इज अ सक्सेस। वाह, वो मुड़ के भी देख लिया। डाउन ऑन द स्कूल, काफी चिल वाइब है सॉन्ग की। फ्लेम्स, ये क्या था? हैप्पी बर्थडे। एक और नहीं। Oh my God. ससुर सास ससुर वो अपने वाले सोच रहे हैं हमारे को तो इतना कभी नहीं टेका। लिरिक्स और वीडियो मैच कर रही है। वाओ, देखा आपने? ओए होए, इंक फाइट्स। मतलब वो सारी चीजें कैप्चर किए, पेपर फाइट्स, इंक फाइट्स, जो वो स्कूल का मजा होता है। वाह, आर्म रेसलिंग। कितना डर रहे हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू बोल नहीं पा रहे। उनकी भी आप पे सिटी बजा दी। ओ जोर, काफी बहुत मस्त वाइब वाला सॉन्ग लगा हुआ। काफी ब्यूटीफुल स्कूल वाइब वाला सॉन्ग था ये, देख के इतनी मजा आया ना, मतलब अपने स्कूल का टाइम याद आ गया कि इतनी पेपर फाइट जो दिखाए वो देख के तो स्पेशली। एंड फिर एक किस तरीके की हरकतें करे थे उस लड़की के साथ, मतलब वॉल पे हार्ट बना के उस पे नाम लिखना। फिर वो सबसे अजीब बात लगी मुझे जब वो खुद कैंटीन में से कुछ लेके खा रहे हैं, बिल पे करने के टाइम
उन्हें आगे करते रहे, बट यू नो पूरा सॉन्ग काफी रोमांटिक था देखने में। ऐसा नहीं लगा कि वो कोई तरीके से लड़की को यू नो परेशान कर रहे है, उसे तंग कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। वो काफी यू नो रोमांटिक वे से उन्हें फॉलो कर रहे थे, उन्हें कोई भी परेशानी हो तो बचा रहे थे उससे। जैसे कि वो कुछ बॉयज उन्हें फॉलो कर रहे थे तो उसके आगे आगे खड़े हो गए सबके। तो ये काफी अच्छी चीजें दिखाई गई थी जो काफी लोग यू नो स्कूल टाइम में अपने करते होंगे। एंड काफी अच्छे स्कूल वाइब वाला सॉन्ग था। मतलब जब वो सीन आया कि कोई एक दूसरी लड़की जा रही थी तो वो एकदम ऐसे साइड पे हो गए कि वो उन्हें टच ना हो जाए, बट जब वो लड़की आई तो एकदम ऐसे उससे टकरा के गए। तो ये सब चीजें देख के काफी काफी अच्छा सॉन्ग लगा। वही वो स्कूल की सारी चीजें कैप्चर की गई थी। और वही मैं जो बता रहा सबसे मेन चीज वही थी कि जो लिरिक्स आ रहे थे ना वही सेम चीज हो रही थी, तो आप पूरी तरीके से रिलेट कर पा रहे थे। और सबटाइटल्स बहुत अच्छे से लिखे गए थे तो उससे पूरा आप रिलेट कर पा रहे थे। और मेनली चीज वही थी कि जैसे वो एक एक चीज कर रहे थे तो वो आप जैसे वो बेंच फाइट्स हो गई सब अपने पेपर फाइट्स सब अपने को याद है। फिर किस तरीके से हम लोग इंक फाइट किया करते थे, तो वही सारी चीज़ों को उसी के साथ पूरा सॉन्ग बनाया गया। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था एंड दोनों लग भी एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट रहता है। वो लड़की भी कभी कभी स्माइल कर रही थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मेनली चीज़ ये भी थी किस तरीके से लाइक वो ये मतलब ओवर नहीं करने की कोशिश की, जैसे कहीं भाई टीचर लाने की कोशिश नहीं की या कुछ सेंसिबल लाने की कोशिश नहीं की। जैसे वो एक कूल वाइब वाला रोमांटिक सॉन्ग है तो उसको वैसे ही रखा और उसका म्यूजिक भी वैसा था, तो बहुत कमाल का लगा। आप लोग सॉन्ग कैसा लगा वो मैं जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।